हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खेल पॉइंट पर। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए विकेटकीपर की भूमिका के लिए धोनी के मुकाबले दिनेश कार्तिक को आसानी से मना कर सकते हैं। और अब T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन को लेकर रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट पर बोलते हुए IPL 2024 में MS धोनी और दिनेश कार्तिक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विकेट कीपर के स्थान के लिए धोनी को मनाना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन हर कोई उनको एक बार फिर से टीम में देखना चाहता है। रोहित ने यह भी कहा कि MI के खिलाफ धोनी की खेली गई छोटी सी पारी से वह काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि MS धोनी अभी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दरअसल रोहित ने पॉडकास्ट में कहा कि मैं MS से काफी प्रभावित था, खासकर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। वह केवल 4 गेंद खेलने आए और उन 4 गेंदों में उन्होंने 20 रन बना डाले, जिसने इस मैच में प्रभाव डाला। आखिरकार यही अंतर साबित हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हराया था। ये 20 रन वही थे जो MS धोनी ने अंतिम 4 गेंदों में बनाए थे। रोहित ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि माही भाई को निश्चित रूप से वेस्ट इंडीज आने के लिए मनाना मुश्किल होगा। वह थके हुए हैं, हालांकि उनके अंदर अभी भी काफी दमखम बाकी है। वह कुछ और करने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। अब वह गोल्फ खेल रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वह गोल्फ खेलेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि MSD की जगह DK को मनाना ज्यादा आसान होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रोहित की एक स्टंप माइक वाली टिप्पणी वायरल हुई थी, जिसमें वह दिनेश कार्तिक के साथ मैदान पर मजाक कर रहे थे। MI के पूर्व कप्तान RCB के लिए दिनेश कार्तिक की शानदार पारी से प्रभावित हुए और उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में जगह बनाने के लिए कहा। अब रोहित शर्मा ने इस पर भी खुलासा किया कि वह कार्तिक पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने 23 गेंदों में 53 रनों की पारी खेलकर RCB का स्कोर 196 तक पहुंचाया था। कार्तिक को लेकर रोहित ने कहा, मैं बस उन पर कुछ दबाव डालने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार SRH के खिलाफ मैच के बाद मैंने बात की, मुझे लगता है कि कोई कप्तान पूछ रहा था कि क्या मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं और उन्होंने हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 35 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी भी खेली थी, जिसके बाद कुछ फैंस का मानना है कि DK भी वर्ल्ड कप की टीम में जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इन बयानों के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही IPL 2024 और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए खेल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।